एक्चुअल में पहले दिन मेरी बात हुई, ठीक है, तो बात करते करते ऐसे लगा जैसे मतलब काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। तो दूसरे दिन बातों में प्रपोज हो गया था दोनों तरफ से, फील आ गई थी, मतलब इतनी ज्यादा फील आ गई। फिर तीसरे दिन डायरेक्टली मैंने आई लव यू बोल दिया। कितना लड़ते हो यहाँ पे, सच्ची सच्ची बताना। बहुत लड़ते हैं। हमारा देखिए आपने, बहुत लड़ते हैं। कम है, रब ने बना दी जोड़ी तो सबने सुना है। आज मैं उसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है हमारे साथ एक लवली सी जोड़ी, सच्चाई सब दोनों को। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बताओ कि नई नई दुल्हन है हमारे साथ और खिला रही है। बताओ सबको यहाँ पे मुँह दिखाई दे के जाना चाहिए लोग आपको। कैसे से लोग हैं तो आप अभी क्या खिलाने वाले हैं, आप मुझे ये बताओ। आपको रैप खिलाएंगे, ठीक है, और जो हमारी स्पेशलिटी है कुल्लड़ पिज्जा, अच्छा वो खिलाएंगे। क्या बात है, साथ साथ बनवाते भी हैं और बातें भी करते हैं। भैया मुझे बताओ ये लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई? इंस्टाग्राम से है। इंस्टाग्राम से? ओहो क्या बात है, इंस्टाग्राम आजकल लव भी सोशल ही हो रहा है, क्या बात है। तो फिर कैसे हुआ लव, मतलब अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज जी नहीं, लव प्लस अरेंज है। अच्छा क्या बात, और शादी तो हो गई, खुशी खुशी घर वालों ने अलाउ कर दिया। उसके बाद? उसके बाद मेरा पर्पस तो जॉब का ही था, बट जलंधर में आईटी कंपनीज नहीं थी, मैंने इमिग्रेशन में काफ़ी इंटरव्यूज दिए। अच्छा, वहाँ पर जो मुझे सैलरी पैकेज मिल रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से 1/4 भी नहीं था। सो हमने मिल के डिसाइड किया, म्यूचुअली मतलब डिसीजन लिया कि पहले मतलब ये सोचा था कि शहर चेंज कर लेते हैं अगर आईटी में जॉब करनी है तो, जलंधर में नहीं कहीं और, बट शहर चेंज करना बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता। सो देन वी डिसाइडेड कि अपने ही जो बना बनाया बिजनेस है उसी को कंटिन्यू करेंगे और मिलके काम करेंगे। तो भैया इसको पहले से रन कर रहे हैं? हाँ जी, इनको 7 इयर्स हो गए हैं। वाओ यार क्या बात है, तो मतलब इस स्वाद के पीछे मेन हाथ इनका है, है? क्या बात। तो अभी भैया हमारा बना रहे हैं रैप और इसमें काफ़ी सारे आइटम जा चुके हैं, मैंने मिस कर दिए। चीज़ गया है, तंदूरी सॉस, मेयोनीज, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स। नहीं आप कम बोलते हो, लगते भाभी के मुकाबले। नहीं आज ना मेरा गला बैठ गया। ओहो क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली ना कल लड़ लिए थे ना सारे सच्ची है ना, कैमरे के आगे बोलती है। भैया ने बनाया था हमारा कुल्लड़ पिज्जा, भाभी बना रही है हमारे लिए। क्या बना रहे हो? कुल्लड़ पिज्जा रेडी कर रहे हैं। चलिए जी ठीक है, ऊपर से डल गया पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, और अब जा रही है ब्रेड, जा चुकी है इसमें सॉसेज, तो सारी चीजें तवे पे ही हो गई है। हाँ जी। तो ये रेसिपी किसने सोची? ये इन्हीं का आइडिया है, इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके कुल्लड़ चाय पीने गए थे। अच्छा। तो वहाँ से वो चाय का कप उठा के ले आए कुल्लड़ वाला। अच्छा। और फिर जब कैफे में लेके आए तो उन्होंने कुछ खुद ही उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उसको बेक कर लिया। अरे वाह, तो वो एक पिज्जा वाला टेस्ट आने लग गया, ऐसे ही कुल्लड़ पिज्जा इन्वेंट हो गया। आपकी लव स्टोरी इंस्टाग्राम से शुरू तो हुई लेकिन आगे कैसी बड़ी हो तो बताओ हमारी ऑडियंस। पहले दिन ना एक्चुअली मेरी बात हुई, हाँ ठीक है, तो बात करते करते ऐसे लगा जैसे मतलब काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। हाँ। तो दूसरे दिन बातों में प्रपोज हो गया था दोनों तरफ से, ओहो फील आ गई थी, मतलब इतनी ज्यादा फील आ गई। फिर तीसरे दिन डायरेक्टली मैंने आई लव यू बोल दिया। तीसरे दिन बोल दिया तो बहुत फास्ट है यार। इन्होंने हाँ कर दी। अच्छा। उसी दिन शाम को मैंने घर पे बात की। हाँ? इसने अपने घर पे बात की। चौथे दिन हमारे घर वाले मान गए। बाप रे, मतलब हैंड्स अप है। और जितने भी मैं बोल रही हूँ, जितने भी आशिक और जितने भी कपल है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं जलंधर में, यहाँ पे आ जाओ टिप्स लेने, यहाँ पे देंगे आपको। आप ये छोड़ो, आप बन जाओ लव गुरु। क्या बना रहे खाना? लव लोगों स्कूल टाइम में था मैं। अच्छा स्कूल टाइम में था मैं, बढ़िया है। तो कुल्लड़ हमारे रेडी हो चुके हैं, पहले बेस चला गया, फिर चीज चला गया, दोबारा बेस जा रहा है, फिर दोबारा चीज जाएगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। देखो मेरी भी शादी होने वाली है, अभी मुझे टिप्स दो कि आप यहाँ का भी संभालते हो, घर का भी संभालते हो, फिर रात को घर जाके फिर संभालते हो, कैसे मैनेज करते हो यार? एक्चुअली घर का इतना अभी प्रेशर नहीं है क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है बहुत सपोर्टिव है। क्यों, यहाँ पर लेट हो जाता है रात तक, तो जब घर पे जाते हैं तो मम्मा खाना वाना रेडी करके रखते हैं, जाके हमें खाना सामने सर्व करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से पसीना वसीना पोंछते हैं। रात के 2 बजे? 2 बजे हाँ जी, ऑलमोस्ट 2:30 बज जाते हैं। और फिर वो प्यार से खाना खिलाती हैं। हाँ जी।
बस सुबह का होता है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है तो वो मैं बना देती हूँ, बाकी रात को मम्मा जाके प्यार से बहुत खिलाते हैं खाना। अच्छा ये बताओ, जैसे जिसमें मैंने सुना है कि कपल में प्यार होता है उसमें लड़ाइयाँ भी होती, कितना लड़ते हो यहाँ पे? सच्ची सच्ची बताना। बहुत लड़ते हैं। हमारा देखिए आपने, बहुत लड़ते हैं। कम है नहीं, एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है, तो लड़ते बहुत हैं हम, लेकिन प्यार भी मतलब बहुत ज़्यादा है। सेलिंग लेवल इतना ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि लड़ाइयाँ प्यार के ऊपर हावी हो जाए, नहीं होता, प्यार हमेशा लड़ाई को जीत लेता है। मतलब मैं ना आज बहुत टाइम बाद हुआ है कि मेरे को खाना दिखाने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनकी बातें सुनने में और इनसे बातें करने में। चलो, हमारा कुछ नहीं पता, यहाँ खड़े खड़े लड़ते हैं, पता नहीं लगने देते किसी को। अच्छा क्या बात है, कितना सही लगता है ना नए नए नवेली दुल्हन से खाना लेना, मस्त। और ये है हमारा कुल्लड़ पिज्जा, और ये है हमारा रैप, मैंने ले लिया। ये है हमारा मेन्यू, मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, पर हम ना अक्सर जो ओनर होते हैं ना, जो वहाँ का बेस्ट जो बनाते हैं, हम लोग उनको ही छोड़ देते कि आप जो बोलोगे हम वो खाएंगे। तो ये है रैप, थोड़ा सा हो चुका है सौगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो को बनते बनते, इसको हम बाद में ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं अपना कुल्लड़ पिज्ज़ा, काफ़ी यम लग रहा है। ये देखो चीज़ देखे क्या, ओए यार ये ना, ये देखो चीज़ फुल आ रहा है, मस्त लग रहा है। लेट्स हैव अ बाइट। इसे खा के सच में मज़ा आ गया, काफ़ी सॉसी और काफ़ी चीज़ी है, मज़ेदार। और एक बाइट लेते हैं हमारे रैप की, वेरी नाइस। 99 रुपीज़ का ये रैप है, 140 का कुल्लड़ पिज्ज़ा। अंदर एसी सेटिंग दे रखी है, आ सकते हो आराम से, आराम से अंदर जाके खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। फ्रेश बाइट्स पे है हम लोग आज जलंधर में, ये कपल मस्त अपना धमाका मचा रहा है। तो अगर आपको भी ये स्वाद चखना है, आप लोग आ सकते हो जलंधर के इस नाकोदर रोड पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्रेश बाइट, गूगल मैप्स पे डाल लेना। अंदर भी सिटिंग है मस्त, आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो, एसी लगा हुआ है फुल। और इनका ये चैनल है, इन लोगों ने अपना चैनल ही स्टार्ट कर दिया है डेली लाइफ स्टाइल का, सहेज अरोड़ा ब्लॉग्स करके। तो इफ़ यू वांट टू सी, यू कैन चेक देम आउट ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह। ठीक है जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कपल, क्यों? क्योंकि भाभी ने ना अपने सेक्रीफाइसेस करे, मतलब आईटी जॉब छोड़ के भैया को यहाँ पे सपोर्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड अ गुड थिंग, क्योंकि साथ रहना इतना आसान नहीं होता, प्यार बना रहे, इसलिए उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस करके यहाँ पे उन्होंने अपने आप को सेटल करा है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर, और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को इस वीडियो में टैग कर देना कि देखो प्यार कैसे होता है। टाइमिंग बताना तो भूल ही गई, दोपहर को आना 2 बजे, रात को 11:30 बजे तक रहते, इससे पहले मत आना, आप लोग भी हमारी तरह इंतज़ार करोगे नहीं तो।